नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर रात 9 बजे दिए जलाने के मसले पर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज रात 9 बजे लोगों से 9 मिनट के लिए अपने घरों के बालकोनी में दिए टॉर्च मोबाइल से रोशनी करने की अपील की है। इससे चंद घंटे पहले अपने विवाक अंदाज और गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाने वाले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। रात 9 बजे से कुछ घंटे पहले उनके सवाल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ताज़ा ट्वीट को लॉकडाउन के बाद उपजे हालातों पर सटीक निशाना माना जा रहा है। सवाल नंबर एक, गरीबों को पर्याप्त भोजन मिले। सवाल नंबर दो, डॉक्टर नर्सों को पर्याप्त संसाधन मिले। सवाल नंबर तीन, करोड़ों नागरिक को भरोसा मिले। सवाल नंबर चार, प्रवासी को परिवहन मिले। सवाल नंबर पाँच, व्यापारियों को राहत पैकेज मिले। सवाल नंबर छः, कोरोना की जानकारी मिले। सवाल नंबर सात, मरीज को फ्री इलाज मिले। सवाल नंबर आठ, गरीबों के घर चूल्हा जले। सवाल नंबर नौ, रोशनी तब हो जब राशन मिले। और सवाल नंबर दस, अंधेरा भागे जब लालटेन जले। तो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता प्रतिष्ठान को अपने इन सवालों के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, रात 9 बजे दिया जले या न जले, लेकिन ये मांग पूरी हो। सचमुच हर वर्ग के लोग करा रहे हैं, सरकार जनता के बुरे वक्त में काम आने के लिए होती है, ताली और थाली बजवाने के लिए नहीं, दिए कैंडल टॉर्च मोबाइल जलवाकर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं। क्या बीजेपी और उनके वक्त लालू प्रसाद यादव के इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हम खबर को खबर की तरह परोसते हैं, किसी चाशनी में नहीं डुबोते, तो रेड नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के सबसे ऊपर में लिखे ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। नमस्कार।